तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली त्रिची एयरपोर्ट पर टेकऑफ के दौरान एयर इंडिया का विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल की दीवार से टकरा गया। हालांकि पायलट को इसका पता नहीं चल पाया और विमान करीब 4 घंटे तक उड़ान भरता रहा। विमान में 130 यात्री और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें दूसरे विमान से दुबई भेजा गया। विमान संख्या IX611 ने गुरुवार देर रात 1:30 बजे त्रिची से दुबई के लिए उड़ान भरी थी। हादसे के 4 घंटे बाद शुक्रवार सुबह 5:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया के मुताबिक त्रिची एयरपोर्ट के अधिकारियों ने पायलट को बताया कि शायद टेकऑफ के वक्त ऊंचाई कम रहने पर विमान के पहिए दीवार और ATC के एंटीना से टकरा गए हैं। पायलट ने कहा कि एयरक्राफ्ट का सिस्टम पूरी तरह ठीक है, हालांकि एहतियातन इसे मुंबई में उतारा गया। एयरलाइन ने जांच पूरी होने तक पायलट और को ड्यूटी से हटा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट किया, एयर इंडिया ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। इसके अलावा DGCA के अधिकारी विमान और त्रिची एयरपोर्ट पर जांच में जुटे हैं। प्रभु ने बताया कि एयर इंडिया के मौजूदा सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के बाद थर्ड पार्टी को इसकी जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए हैं।